हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लखराजो इंग्लिश अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, हम बता दें इंग्लिश सॉल्यूशन ओनली, जो कि हमारा न्यू प्लेलिस्ट बना है। और ये दोस्तों, इस सेशन में हम चर्चा करते हैं हमारे एग्जाम में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनसे हम लोग जो है कुछ खास प्रश्न पिक करके लाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में इसके माध्यम से बेहतर नंबर किस तरह लाए, इसी का योजनाबद्ध हम लोग काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं दो ऐसे महत्वपूर्ण एरर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इनका योगदान और इनका महत्वपूर्ण काफी माना जाता है, यानी ये आए हुए एग्जाम में बहुत बार में इनका जो रूल रेगुलेशन है ये प्रयोग होते हैं और आप जो है इसे हमेशा अपने एग्जाम में देखते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है इस पर हम ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, आई विश विराट कोहली वॉज माई एल्डर ब्रदर। यानी जो हम बात करेंगे, पहले इसका हिंदी समझते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट एरर पे चर्चा करते हैं। तो आई विश, यानी मेरी इच्छा है कि विराट कोहली वॉज माई एल्डर ब्रदर। यानी जो विराट कोहली है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, He is the best cricketer in the world, as we know that. तो वो मेरे क्या होते हैं, एल्डर ब्रदर होते हैं, यानी कि बड़े भाई होते हैं। एल्डर ब्रदर मतलब दोस्तों ये होता है बड़े भाई, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो इस प्रश्न में गलत है, एरर है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद यहाँ हल सॉल्यूशन में इनका जो है ऐसे जुड़े हुए तथ्य को समझेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो एरर है यहां पे, जो ये एक्सिलिस वर्ब का प्रयोग वॉज हुआ है, इसके जगह पे मैं बता दूं ये गलत है। वॉज के जगह पे यहां पर वर का प्रयोग होगा, क्यों अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आई विश एक जो है सपोजिशनल ट्रेडिशनल वर्ड माना गया है। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा दोस्तों, मैं आपसे चर्चा कर दूं कि आई वॉज जो क्वेश्चन है एक सपोजिशनल वर्ड माना गया है। इसे हम कल्पनागत एवं भावपूर्ण शब्द मानते हैं, और इनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे आई विश, वी विश, सपोज, इफ, एज इफ, इफ ओनली, एज दो, इटीसी। यानी ये मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं बता दूं जो इस प्रश्न में एरर था वो था वर्स के जगह पे वर का प्रयोग होगा, और क्यों होगा मैं आपको चर्चा किया कि आई विश जो है एक ऐसे शब्द का काम करता है जो कि ग्रामरियन के दृष्टिकोण से, इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से इन्हें सपोजिशनल वर्ड माना गया है, यानी इन्हें कल्पनागत व भावपूर्ण शब्द माना गया है। और इसी के जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आई विश, वी विश, सपोज, इफ, एज इफ ओनली, एज दो, इटीसी। ये अगर किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है तो इनके तुरंत बाद प्लुरल भर के साथ साथ वर शब्द का जो है प्रयोग होता है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि इनके बाद जो हमेशा प्लुरल भर, इस पे ख्याल आपको रखना है, प्लुरल भर, और प्लुरल भर में किसका, तो वर का हमेशा प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। प्लुरल भर के अकॉर्डिंग वर का हमेशा प्रयोग होता है। अगर ये शब्द आपको किसी सेंटेंस में दिखते हैं तो इनके ठीक बाद प्लुरल भर वर का प्रयोग करना है और देख लेना है कि सेंटेंस किस स्तर से रखा गया है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि आई विश, यानी मेरी इच्छा है, अभिलाषा है कि विराट कोहली वर माई एल्डर ब्रदर, और तब जाके ये सेंटेंस आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यानी जो ब्रेड एंड बटर है, जैसा कि हम जानते हैं रोटी और मक्खन हमारे, यानी मेरे बहुत ही मन पसंदीदा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, यानी सुबह का
नाश्ता है। तो जो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें एरर जो है जहां पे है उस पे हम बात करते हैं। तो एरर जो प्रयोग किया गया है यहां पे पुनः जो एक्सिलरीज भर ई यहां पर आर का जो प्रयोग किया गया है ये गलत है। यहां पे एक्सिलरीज भर इस का प्रयोग होगा और किस स्तर से होगा तो हम यहां पे आपको पुनः सॉल्यूशन के रूप में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन के रूप में अगर चर्चा करें और मैं यहां पे इसको इरेज करते हैं, अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि यहां पर आर के जगह पे इस का प्रयोग होगा, इसका आप अवश्य ख्याल रखिएगा। कैसे? तो दोस्तों मैं बता दूं, पहले हम इसको समझते हैं। ब्रेड एंड बटर जो है एक पेयर वर्ड माना गया है। ये जो वर्ड है हम चर्चा करते हैं पेयर वर्ड पे, और मैंने बोला कि आर के जगह पे आपका इस का प्रयोग होगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जब किसी वाक्य में, जब किसी सेंटेंस में दो पेयर वर्ड, दो शब्द होते हैं लेकिन एक पेयर वर्ड, पेयर वर्ड का मतलब होता है, इसका तात्पर्य होता है एक शब्द से। ध्यान दीजिएगा, जब पेयर वर्ड किसी सेंटेंस में इसका यूज होता है तो इसका जो अर्थ होता है सिर्फ एक भाव निकलता है, यानी एक बोध कराता है। तो उसके साथ आपका हमेशा एक्सिलरीज वर्ब इज यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये हमारा इज क्या हुआ दोस्तों, सिंगुलर वर्ब हुआ। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो पेयर वर्ड, जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी, ठीक है, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। उसके बाद दोस्तों एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है दोस्तों। ऑनेस्टी एंड ट्रथ, ऑनेस्टी एंड ट्रथ, ठीक है। राइज एंड इस्ट, राइज एंड सेट्स, ठीक है, इटीसी। ऐसे बहुत सारे पेयर वर्ड मारे जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें पेयर वर्ड कहते हैं, पेयर वर्ड। और इनसे किसी वाक्य में जब ये इंग्लिश वाक्य में इनका प्रयोग होता है तो इनका भाव सिर्फ एक का संख्या बोध कराता है, और जब ये एक संख्या बोध कराते हैं तो ये दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, और इनके साथ भर का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर भर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा किया दो ऐसे महत्वपूर्ण एरर बेस्ड ऑन ग्रामर के टॉपिक्स पे जो कि हमारे भर से रिलेटेड थे। जैसे मैंने बताया पहला कि आईविश के साथ ये एक हमारा जो है कल्पनागत और भावपूर्ण वाला शब्द होता है, और इसके साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। और मैंने यहां को चर्चा किया कि ब्रेड एंड बटर जो है ये पेयर वर्ड के अंतर्गत आते हैं, और ये जो है किसी एक भावपूर्ण का बोध कराते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने यहाँ आर के जगह पे इस का प्रयोग किया, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हैं, राइस एंड करी, बैग एंड बैगेजेस, हैमर एंड सिकल, एज एंड एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी एंड ट्रथ, राइज एंड सेट्स, ईटीसी, ये सभी जो है पेयर वर्ड्स है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी इस का प्रयोग मैंने यहाँ पे किया। तो चलिए दोस्तों ये रहे दो महत्वपूर्ण हमारा जो है ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस। हम पुनः अपने नेक्स्ट इंग्लिश सॉल्यूशन ओनली में आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप यह हमारा पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो घबराइए नहीं, मैंने जितने भी वीडियोस बना रखा है इस पर प्रॉपर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर के बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही मुझे दोस्तों टेलीग्राम चैनल वोकैबुलरी सेक्शन के लिए फॉलो कर सकते हैं, वहां लखा जो इंग्लिश एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप्स और बहुत सारा वोकैब सीखते रहिए। चलिए दोस्तों, आपका बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।